I am Dr. Shirin Kasim Bhang, Associate Professor from the Department of Pediatric at Fazaia Rudhwa Medical College. Today we'll be discussing about the common mistakes that the students make or they do during the counseling the patient or their attendants. जो हम काउंसलिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने पहले भी डिस्कस हो चुका है कि लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. अक्सर बच्चे जो होते हैं वो वालदेन के लेवल ऑफ एजुकेशन को जाने बगैर मुश्किल अल्फाज, जार्गन्स या अंग्रेजी के बहुत से अल्फाज, इंग्लिश के मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या मेडिकल के बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो वालदेन को नहीं समझ में आता. तो आपको लेवल वालदेन का लेवल ऑफ एजुकेशन मालूम करने के बाद आपको अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करनी चाहिए. दूसरी चीज़, अगर माँ या मदर बच्चे की अकेली है तो आस्क द मदर टू ब्रिंग द फादर विथ हर सो दैट दोनों मौजूद हों. क्या इनकेस अगर मदर किसी वजह से कोई उसको प्रॉब्लम हो या वो सुनने में परेशान हो जाए तो फादर वहाँ मौजूद हो तो उसको हैंडल कर सके. और उन्हें ये भी ऑफर करना है कि अगर कोई दूसरा अटेंडेंट आना चाहे तो वो भी आ सकता है. रिफ्यूज़ आप नहीं करेंगे. सेकेंडली, जब आप काउंसलिंग करते हैं तो उसमें स्टार्ट हम जो होते हैं वो हमेशा बुरी बातों से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डायबिटीज़ का एग्जाम्पल देते हैं तो हम हमेशा वो चीज़ें बताते हैं जो बच्चा नहीं खा सकता. हम वो चीज़ें नहीं बताते जो बच्चा खा सकता है. तो हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बताएं कि वो बच्चा एक नॉर्मल स्कूल गोइंग लाइफ कर सकता है, वो बच्चा अपना नॉर्मल जो नॉर्मल रूटीन का खाना है वो खा सकता है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है. रादर कि हम उन्हें कहें कि नहीं, वो आइसोलेट रहेगा, वो ये चीज़ें नहीं खा सकता, उसको अब स्कूल अभी ना भेजें, उसको दूसरे बच्चों से आइसोलेट रखें, ऐसी वो चीज़ें ना करें जिससे कि नेगेटिव एस्पेक्ट मदर के जहन में आए और वो डिजीज़ से और घबरा जाए. दूसरी चीज़, जब हम एज अ जूनियर डॉक्टर उसे काउंसिल कर रहे होते हैं तो आप हमेशा एंड में उन्हें ऑफर करेंगे कि हमने आपको ये काउंसलिंग की है, हमने आपको जो बातें अंदाज हमें पता थी हमने आपको बताई हैं, लेकिन अगर आप हमारे सीनियर डॉक्टर से भी डिस्कस करना चाहते हैं तो वी कैन अरेंज एन अपॉइंटमेंट. आप हम उनसे सीटिंग अरेंज कर देंगे एंड देन यू कैन हैव एन ओपिनियन विद द सीनियर डॉक्टर एज वेल. थैंक यू.